वैसे ये जो बाइक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पल्सर N160 के, बिकॉज़ अगर मैं इसके टेल लैम्प की बात करूं, या फिर अगर मैं इसके मीटर्स की बात करूं, या फिर अगर मैं इसके टैंक और साइड पैनल की बात करूं और इसके हैंडल्स की, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा लुक जो है ना इसका सिमिलर नज़र आता है। बस ये जो हेडलाइट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इन स्पेसिफिकेशन की तो 14 BHP की पावर, 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें देखने को मिलता है आपको। अंडर वैली एग्जॉस्ट है, और अगर मैं इसके स्विंग आर्म की बात करूँ तो आप देख सकते हो स्विंग आर्म ओवरऑल TVS की जो अपाचे 160 आती है उससे तो काफ़ी हैवी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फुटरेस्ट की बात करूँ तो ये भी क्लिप ऑन फुटरेस्ट इसमें दिए गए, वेल्डिंग नहीं किया गया डायरेक्टली। अगर किसी कंडीशन पे टूटता भी है तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं, आपको वेल्डिंग का जो खर्चा है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको किक मिल जाती है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, या फिर अगर मैं इसकी बॉडी को देखूँ, तो जो निट एंड फिनिश है वो ओवरऑल स्विच क्वालिटीज़ पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद टैंक की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और अराउंड जो टैंक कितने लीटर का है तो मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स ये 12 से 13 लीटर के आसपास का होगा। बट अगर मैं इसमें LED को छोड़ के, मतलब इसकी हेडलाइट को छोड़ के, अगर मैं बाकी सभी चीज़ों की बात करूँ, जस्ट लाइक कि इसके इंडिकेटर्स, तो ये हेलोजन में आते हैं, ठीक है, ये LED नहीं है। बट बाइक में फ्रंट में जो आपको है प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है जो कि LED सेटअप के साथ है। सिंगल इसमें हॉर्न है, और इसके अलावा फ्रंट में जो डिस्क दिया गया है ये 260 mm के आसपास का डिस्क है। और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो MRF की जो जैपर टायर है इसमें 80 सेक्शन का है, 80x100x17 सेक्शन के टायर हैं। और अगर मैं रियर की बात करूँ तो रियर में भी आपको जो 100x90x17 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं, और मोनोशॉक इसमें दिया गया है पीछे, तो इसकी वजह से जो बाइक का लुक है ये काफ़ी बेहतरीन हो गया है। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मेरा इस बाइक के साथ में, पोजीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन आती है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा अभी आपको एग्रेसिव नहीं मिलेगा, बट एक बहुत ही अच्छा सा स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी मैं बोलूं कि पोजीशन रहेगी इसके ऊपर आपको। और क्लिप इसमें क्लिप ऑन नहीं आते हैं, हैंडल बार्स आते हैं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहने वाला है। बात करें इसकी किचन की तो आप देख सकते हो किचन कितनी प्यारी लग रही है। इसकी जो फिनिशिंग है ना वो मेरे को बाकी सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सही लग रही है। एंड अगर मैं बात करूँ जब बाइक आप स्टार्ट करते हो तो इसका फिनिश बहुत अच्छा है। वापस एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये। सो ओवरऑल 110 किलोमीटर्स तक की टॉप स्पीड इसकी होगी। यहाँ पे इन्होंने इसमें चार्जर दिया हुआ है जो कि आजकल सभी बाइक में नेसेसरी सा हो गया है, क्योंकि कोई भी बाइक परचेज़ करता है तो उसको लेके सीधा निकल जाता है लंबे टूर के लिए। वेल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाई बीम लो बीम पास का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एंड इसके अलावा इंडिकेटर्स, हॉर्न की क्वालिटी सिंगल है तो, और मैं ड्यूल हॉर्न तो सभी में आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं देते। और इसकी सीट की अगर मैं कुशनिंग की बात करूं तो सीट इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। पीछे की सीट काफ़ी वाइड है, इट मीन्स कि अगर कोई पिलियन यहाँ पे बैठता है तो वो काफ़ी अच्छे से बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक अच्छी खासी दूरी 100 किलोमीटर तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साड़ी गार्ड और यहाँ पे साइड फुटरेस्ट भी दिया गया है, तो ये एक अच्छा है। एंड सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी। हाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कई बार किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप इतना हाफते क्यों, तो बेसिकली यार जो कैमरा है ना इसको संभालने के लिए हेलमेट यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि वीडियो अच्छे से बन पाए, और उसकी वजह से थोड़ा सा हाफ जाता हूँ। सो इस चीज़ को प्लीज़ मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा एंड मुझे माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए अगर मेरी सांसों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड, और ये रिव्यू था मेरा इस पल्सर P150 के लिए। वेल थैंक यू सो मच।